नमस्कार आजा भाई, मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुरानी सारी अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है मेरे। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पूर्वजों की ये हरियाणा धरती ने मुझे अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 वोट गिन रहे हैं, मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहां मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। मुझसे कहा जा रहा था मैं बाहर, अब मुझे लगा नहीं मैं बाहरी नहीं हूं, मैं यहां इतने परिवार हैं। बंबई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है जहां मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहां मेरे 7,33,000 परिवार हैं, जिन लोगों ने जिन परिवारों ने मुझे इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राजबब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याओं की करूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं किसी जात बिरादरी में बंधा नहीं। मत कीजिए जब मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ, मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में ही हूँ और गुड़गांव क्षेत्र में रह के मैं लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को जोड़ूँ। मुझे बहुत प्यार, मैं इतना वोट जिसको आप अगर वोट में भी लेते थे, इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे शायद इससे पहले जितने भी वोट मिले उससे दुगने वोट मिले, दुगने से भी ज्यादा मिले। तो ये इसको, और शायद ये मुझे राजबब्बर को नहीं मिले हैं, ये राजबब्बर के जो पूर्वज जो पुरखे जो इस धरती पे आए हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैंने जब अपने इस उम्र में आके मैं इस धरती पे आया हूँ तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद। देखिए भाजपा ने क्या कहा ये तो भाजपा वाले जाने, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस का मैनेजमेंट, राजबब्बर जी का जो मैनेजमेंट था वो इतना बेहतरीन था। आप देखिए वो मैनेजमेंट की बदौलत ही आज हम लोग कहाँ खड़े, इस हार में भी हम लोग जीत के खड़े हैं और वो जीत के भी आज जो है वो हार का देख रहे हैं। आप देखिए जश्न क्यों नहीं मनाया गया, कहते जश्न नहीं खुशी मनाएंगे, क्योंकि इनकी जीत अधूरी है और हम कहते हैं कि हमारी हार है। जो देखिए हार है इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन इस हार में हम जीत को तलाशेंगे और अगली बार हम पुरजोर कोशिश करके जीत का परचम लहराएंगे। हम लोग मंथन कर रहे हैं, हार की बहुत सारी वजहें होती है, खाली एक वजह नहीं कि किसी एक पे हम कह दें कि भाई इसकी वजह से हार गए उसकी वजह से हार गए। आज 7,31,000 वोट पे हम खड़े, लगभग हर परिवार से हमें वोट मिला है, प्यार मिला है, तो इस हार में भी हम लोग जीत तलाश रहे। मैं फिर यहाँ की जनता का, गुड़गांव की लोकसभा की जो हमारी जनता है सबका बारम्बार धन्यवाद करता हूँ और इस प्यार और प्रेम के लिए हाथ जोड़ के सबको नमन करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।